Hey you guys, welcome or welcome back to my channel. It's me Rachita and you're watching Tatlam Galuchita. So guys, if you're new to my channel, do consider subscribing, like my video, share my videos and hit the bell icon so that whenever I upload the video, you get notified and you can watch my video. So guys, let's quickly straight dive into the video. Almost winters aa gaye hain aur winters mein na स्किन का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हम में से ना बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार विंटर में क्या स्किन केयर करना है, सिर्फ मुंह धो, मॉइस्चराइजर लगाओ बहुत ही चिपचिपा, जिससे ना हाइड्रेशन बना रहे और हमारी स्किन बिल्कुल भी ना ड्राई ना हो, खिंची खिंची हमें फील ना हो. बट ये कंप्लीटली रॉन्ग कंसेप्ट है. इसको हम बहुत पहले यूज करते थे जब हमें ना स्किन केयर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता था. बट अब तो इतनी अवेयरनेस हो गई है. मैंने भी आपको कई बार बताया कि आपको सर्दी हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, चाहे मॉनसून ही क्यों ना हो, स्किन केयर आपको कंप्लीट करना ही करना होता है. सर्दियों में तो हमें हमारी स्किन का ना ख्याल बहुत ज्यादा रखना होता है. क्या फेस वॉश हम यूज कर रहे हैं, क्या मॉइस्चराइजर हम यूज कर रहे हैं, किस टाइप का यूज कर रहे हैं, हमें अपनी स्किन के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी स्किन नॉर्मल है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, ऑयली है, कैसी है, हमें कौन सा मॉइस्चराइजर चाहिए, क्रीम बेस्ड चाहिए, जेल बेस्ड चाहिए, किस टाइप का. और ऐसा ही फेस वॉश के साथ भी होता है, क्योंकि अगर आप सही से अपनी स्किन के अकॉर्डिंग फेस वॉश या मॉइस्चराइजर को यूज नहीं करोगे ना, आपकी स्किन पे ना डलनेस, ड्राईनेस, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, एक्ने, पिंपल की इतनी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी. और आप सोचोगे यार मैं तो सब कुछ कर लेती हूँ, उसके बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है. सो मैं आपको बताती हूँ कि अभी जो वेदर है और जो आने वाला है उसके लिए ऑल स्किन टाइप्स आप क्या यूज कर सकते हो, कौन सा बेस्ट ऐसा फेस वॉश है, बेस्ट ऐसा मॉइस्चराइजर है जो हम सभी की स्किन के ऊपर ना बड़े अच्छे से काम करेगा. आप मेन है, विमेन है, घर में कोई भी उसको बड़े आराम से लगा सकता है. हर वेदर के लिए सूट होता है, पर स्पेशली जो अभी का वेदर है उसके लिए तो एकदम परफेक्ट है. ये है मेरे पास और इसको मैं यूज कर रही हूँ. ये है फ्यूमिको वाइटामिन सी हाइड्रेटिंग फेस वॉश है विद एलोवेरा, ग्लिसरीन एंड क्यूक्यूम्बर. अब आप सोचो कि आपको एक ही फेस वॉश में ना एलोवेरा मिल रहा है, ग्लिसरीन मिल रहा है, साथ ही साथ आपको क्यूक्यूम्बर भी मिल रहा है, और ये सारी चीजें ना हमारी स्किन के लिए बड़ी ज्यादा अच्छी होती है, कंप्लीटली नेचुरल होती है, हमारी स्किन पे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता, और जब इसके अंदर वाइटामिन सी है सो ये हमारी स्किन की ना ब्राइटनिंग में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है. ऐसा नहीं है कि वाइटामिन सी है तो हमारी स्किन बहुत ज्यादा ना ड्राई हो जाएगी, उसी को कंपेंसेट करने के लिए इसमें एलोवेरा है और ग्लिसरीन भी है, ताकि एकदम जो हाइड्रेटिंग फील होता है, हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजेशन जो होता है ना वो हमारी स्किन को मिलता है इस वेदर में. अगर आप इसको कंटिन्यूअसली यूज करते हो ना तो आपकी स्किन से ना आपको जो एक्ने की प्रॉब्लम है, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, जो डल स्किन है, ड्राई स्किन है, सब चली जाती है और एक ऐसा बैलेंस हाइड्रेशन आपको देती है ना कि आपको लगता है कि हाँ ये परफेक्ट है. सही बताओ तो बीच में ना मेरी स्किन काफी ज्यादा ना इसे डल ड्राई सी हो गई थी, मतलब ऊपर नीचे से हो रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं, किस चीज का यूज करूं. ऑल दो मेरे पास काफी चीजें हैं यूज करने के लिए, बट फिर भी ना सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था. सो मुझे लगा कि ये अगर मैं ट्राई करती हूँ तो शायद मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिले. एंड ट्रस्ट मी, इसको मैंने यूज किया है रेगुलरली, दिन में दो बार, इतने अच्छे मुझे इसके रिजल्ट्स मिले हैं ना. मेरी स्किन ड्राई है बट फिर भी ना मुझे उतनी ड्राइनेस फील नहीं हो रही है इसको यूज करने के बाद. और टेक्सचर इतना अच्छा है, इतनी अच्छी से ना क्लेंस करता है, ये डीपली क्लेंस करता है. जब आप घर आते हो ना थक के हारे, इतना डस्ट आप अपने फेस पे लेकर आते हो, सब कुछ अच्छे से क्लेंस करता है, आपको फील होता है कि हाँ स्किन ब्रीथ कर रही है, स्किन ना डीपली क्लेंस हो गई है हमारी, आपको खुद से ही अच्छा फील होता है. सो इसके साथ अगर आप ये मॉइस्चराइजर भी यूज करते हो ना तो आप देखना आपकी स्किन में बड़े अच्छे ना विजिबल चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे. और ये भी ना ऑल स्किन टाइप्स है, सबके लिए सूट हो जाता है. सबसे बड़ी बात क्या है ना, आपकी कोई भी स्किन टाइप हो ये आपके ऊपर सूट करेगा, क्योंकि ये ना जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है. ये ना हमारी स्किन में मॉइस्चर को तो लॉक करता ही करता है, साथ ही साथ ना जेल बेस्ड है तो बहुत ज्यादा हैवी नहीं होता, आपको ऐसे ना चिपचिपा सा फील नहीं होता कि यार ये क्या लगा लिया है, हैवी वेट लग रहा है, चिपचिपा लग रहा है. जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स होते हैं ना वो अच्छे से ना हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अपना काम जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं और स्किन के अंदर ना डीपली पेनिट्रेट होके जितने इसके अच्छे रिजल्ट्स है ना वो हमें देते हैं. तो कितना प्यारा सा इसका टेक्सचर है, जेल बेस्ड टेक्सचर है, आप इतना लाइट वेट है ना आपको लगेगा ही नहीं कि ना आपने ना कुछ लगा रखा है अपनी स्किन पे. लगाते के साथ ही ना आपकी स्किन में इतने अच्छे से ना एब्जॉर्ब हो जाता है, इतना अच्छा डीप मॉइस्चराइजेशन देता है ना. मुझे ना सच में इस टाइप के मॉइस्चराइजर्स बड़े अच्छे लगते हैं और खुशबू भी ना इसकी काफी ज्यादा अच्छी है, सूदिंग है. ऐसा नहीं है कि अगर आप मेकअप करो तो आपको कोई और मॉइस्चराइजर लेना होगा, आप इसको ना अपने मेकअप के लिए भी यूज कर सकते हो. ये मॉइस्चराइजर लगाओ आप जेल बेस, उसके बाद अगर आप मेकअप लगाते हो ना इतने अच्छा आपका मेकअप ब्लेंड होता है, इतना प्यारा प्लेन कैनवास आपको मिलता है ना मेकअप करने के लिए कि आपको लगता है कि यार बेस्ट है. अगर आप नॉर्मल स्किन केयर भी करो ना, एएमपीएम वाला, उसमें भी ना ये बेस्ट काम करता है. मतलब एक मॉइस्चराइजर है जो सब कुछ
काम कर लेता है और आपको अच्छे से हाइड्रेशन देता है, मॉइस्चराइजेशन देता है विदाउट एनी ड्राइनेस डलनेस। ये काफी ज्यादा लाइट वेट है, नॉन ग्रीजी है, डीपली अब्सॉर्ब होता है हमारी स्किन में और हमारी स्किन को ना एक अच्छा सा ग्लो और रेडियंस देता है, मॉइस्चर को भी लॉक करके रखता है, स्किन को सॉफ्ट सप्पल बनाता है और साथ ही साथ ना इसके अंदर ना एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी हैं जो हमारी स्किन के लिए बड़ी ज्यादा जरूरी होती है और जितने भी पोर्स होते हैं उन सबको भी ना अनक्लॉक कर देता है। ये तो आप जानते हो कि अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सुंदर, ग्लोई और रेडिएंट लगती है तो कॉन्फिडेंस तो एकदम हाई हो जाता है हमारा। और सब लोग आपसे पूछते हैं कि यार इस ग्लोई स्किन का राज क्या है, तो बस आप ना लिंक शेयर कर देना जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेंशन कर दिया, आपको मिलते हैं बड़े प्यारे अफोर्डेबल प्राइसेस अगर आप उसको बाय करते हो तो। अगर इसके बेस्ट इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करूँ ना तो गाइस में हमें मिल जाता है हाइलुरोनिक एसिड, शिया बटर, ग्रेप सीड ऑयल प्लस रेटिनॉल। अब आप सोचो इतने सारे बेनिफिट्स आपको इस एक मॉइस्चराइजर में मिल रहे हैं, सो आपको और क्या चाहिए। और ढेरों जितना भी आपके पास स्किन केयर रखा है ना कोई काम करनी है इसको अगर आप यूज करते हो तो। अगर आप मार्केट में निकलोगे या फिर ऑनलाइन भी सर्च करोगे ना आपको ढेर सारी चीजें मिल जाएंगी जो बड़ा अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगी, नो डाउट अबाउट इट। उनका रेट भी ना उस हिसाब से होगा जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। बट ये जो कॉम्बो मैं आपको बता रही हूँ ना, फ्यूमिको फेस वॉश और ये जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर, ये आपको ऐसे दामों पे मिलता है ना कि आप ये वाली जो डील है ना वो छोड़ ही नहीं पाओगे और इसको ही यूज करोगे और घर में सबको कन्विंस करोगे यार ये ही अच्छा है इसको यूज करो, क्योंकि इसके साथ आपको और कुछ भी यूज करने की जरूरत है ही नहीं। तो गाइस फटाफट से ना ग्राब दिस कॉम्बो गाइस। तो इसमें ना बड़े छोटे छोटे ऐसे ना ये सब माइन्यूट से सब बीट्स है जो हमारी स्किन को ना अच्छे से डीपली एक्सफोलिएट भी करते हैं, क्लेंज भी करते हैं एंड साथ ही साथ ना हमारी स्किन को अच्छे से रिवाइटलाइज भी करते हैं। मतलब फर्स्ट वॉश में ना मैं ऐसा लगता है कि यार फेस में ना बड़ी एनर्जी फील हो रही है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अपनी स्किन को डैम करना, उसके बाद फेस वॉश का यूज करना है। रिक्वायर्ड क्वांटिटी जितनी आपको लगती है उतनी लो, अच्छे से ना अपने फेस को क्लेंज करो, प्रॉपर सा लेदर बनाओ, उसके बाद इसको वॉश करो। उसके बाद हमें यूज करना है ये मॉइस्चराइजिंग जेल जिसको सर्कुलर मोशन में आपको लगाना है, कब तक, जब तक कि ना कम्प्लीटली स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है। ये जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर गाइस 50 ग्राम की क्वांटिटी है इसकी और इसका प्राइस है ओनली 499 रुपीज। ये फेस वॉश है 100 ml, उसका प्राइस है ओनली 299 रुपीज। तो गाइस चेक करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो आपको जो लिंक मैंने दिया वहां से आपको बेस्ट बेस्ट प्राइसेस मिल जाते हैं। प्रोडक्ट्स आर 100% वीगन, FDA अप्रूव्ड, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड प्राउड इंडियन ब्रांड, और इनको बनाने में किसी भी टाइप की कोई क्रुएलिटी नहीं हुई है और प्लस पैराबिन फ्री भी है ये। सो अभी के अभी गाइस चेक कर लो। सो चलिए चलती मैं मिलती हूँ आपसे बाद में किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।